हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 19 जून का करंट अफेयर्स करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है संक्रामक रोगों के खतरों से निपटने के लिए हाल ही में किस देश ने भारत को बारह करोड़ डॉलर सहायता राशि देने की घोषणा की है तो देखिए हाल ही में संक्रामक रोगों के खतरों से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को 122 मिलियन डॉलर यानी 12.2 करोड़ डॉलर सहायता राशि देने की घोषणा की है ऑप्शन ए सही उत्तर है देखिए बात करें अमेरिका की तो अमेरिका और कनाडा को उनचासवीं समानांतर रेखा विभाजित करती है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है फ्लोरिडा स्ट्रेट मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है और अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमेक नदी के किनारे हैं और न्यूयॉर्क शहर ये हडसन नदी के किनारे हैं तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मुख्यालय है जो बाइडन अमेरिका के छियालीसवें राष्ट्रपति हैं कमला हैरिस उनचासवें उपराष्ट्रपति हैं यहाँ के संसद का नाम है कांग्रेस और करेंसी है डॉलर नेक्स्ट भारत गौरव योजना के तहत पहली बार किन दो स्थानों के बीच में निजी ट्रेन का संचालन किया गया देखिए भारत गौरव योजना चलाया जा रहा है निजी टूर ऑपरेटरों को भारत में ट्रेन लीज पर देने के लिए और इसी योजना के तहत हाल ही में निजी टूर ऑपरेटर के माध्यम से एक ट्रेन का संचालन किया गया कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और शिरडी ये महाराष्ट्र में है तो हाल ही में तमिलनाडु से महाराष्ट्र के बीच में पहली बार भारत गौरव योजना के तहत जो है एक निजी ट्रेन का संचालन किया गया और इस ट्रेन का संचालन किस जोन ने किया दक्षिण रेलवे जोन ने और इस तरह से ध्यान रखिएगा निजी ट्रेन का संचालन करने वाला भारत का पहला जोन बन गया है दक्षिणी रेलवे जोन ठीक है तो भारत गौरव योजना याद रखना है ये रेलवे द्वारा चलाया जा रहा है इस योजना के तहत ट्रेनों को लीज पर दिया जाता है जो निजी टूर ऑपरेटर हैं उन्हें ठीक है देखिए रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं वर्तमान में विनय कुमार त्रिपाठी चलिए अगला क्वेश्चन पंद्रह से सत्रह जून को किस देश ने शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी एस राइट्स बैठक की मेजबानी की तो देखिए दोस्तों एस राइट्स का अध्यक्ष बना है एक साल के लिए भारत और इसी बीच में जितनी भी बैठकें आयोजित की जाएंगी भारत की अध्यक्षता में ही आयोजित की जाएंगी यानी भारत इसका मेजबान था ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पे राइट्स का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर तो ये एस का एक अस्थाई निकाय है जिसका गठन किया गया था 2002 में ठीक है शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका गठन किया गया था 15 जून 2001 को उसके पहले शंघाई फाइव ग्रुप के नाम से इसका गठन किया गया था छब्बीस अप्रैल उन्नीस को मुख्यालय बीजिंग में है बीजिंग में ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय है याद रखिए एस में सदस्य देश पहले आठ थे लेकिन अब नौ हो गए हैं नौवा सदस्य देश बना है इसका ईरान ठीक है कौन से देश हैं रूस चीन किर्गिस्तान कजाकिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान भारत पाकिस्तान और ईरान ये एस के सदस्य देश हैं इसमें भारत और पाकिस्तान 2017 में एस के सदस्य बने थे एस की आधिकारिक भाषाएं दो हैं चाइनीज और रशियन महासचिव हैं झांग मिंग जो कि चीन के हैं और देखिए रेट्स जो अभी आपने नाम सुना है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर तो रेट्स कार्यकारी समिति के डायरेक्टर हैं रसलान मिर्जा चलिए अगला क्वेश्चन यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन वीवा टेक दो में किस देश को वर्ष का देश यानी कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई देखिए यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन है इसका नाम है वीवा टेक और हाल ही में इसका आयोजन किया गया फ्रांस के राजधानी पेरिस में ठीक है तो इस सम्मेलन में कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता प्रदान किया गया भारत को ऑप्शन डी राइट आंसर ठीक है और इस सम्मेलन के दौरान वहाँ पर भारतीय पवेलियन स्थापित किया गया था और भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किए थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं

कुल उनचास लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए यानी भारत में ही एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए ऑप्शन ए सही उत्तर है और विस्थापन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है पहले स्थान पर है चीन चीन में पिछले साल 60 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए दूसरे स्थान पर फिलीपींस है फिलीपींस में पिछले साल सत्तावन लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए वहीं भर में कितने करोड़ लोग विस्थापित हुए उसे भी ध्यान रखिएगा दो दशमलव तीन सात करोड़ लोग जो है पूरे विश्व भर में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए इवेन एच यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इसका गठन किया गया था चौदह दिस, दिसंबर उन्नीस को देखिए एक और संगठन है इसी के जैसा ही उसका नाम है इवेन एच आर सी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल याद रखिएगा इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है और इवन एच का भी मुख्यालय जिनेवा में है इवेन एच के वर्तमान में प्रमुख हैं फिलिपो ग्रैंडी देखिए जिनेवा में और भी बहुत सारे संगठन हैं जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है एक और संगठन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति नेक्स्ट हाल ही में किसने अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है तो देखिए हाल ही में चीन ने फुजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है ऑप्शन बी राइट आंसर भारत के पास अभी तक, तक सिर्फ एक विमान वाहक पोत है उसका नाम है आई एन एस विक्रांत ठीक है क्या नाम है उसका आई एन एस विक्रांत ये भारत का विमान वाहक पोत है भारत के पास एक ही है और चीन ने हाल ही में अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है इसका नाम है फूजियान चीन की बात करें तो देखिए भारत और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है मैक मोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंट रेखा चीन भारत के चार राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है ये राज्य हैं उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर शासित प्रदेश में लद्दाख चीन से अपनी सीमा शेयर करता है चीन की यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी ठीक है हुआंग हो नदी ये इसे चीन का शोक कहा जाता है बार बार बाढ़ आने के कारण चीन में काफी तबाही होती है इसलिए हुआंग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है हुआंग हो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है शंघाई सहयोग संगठन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर

नया रिकॉर्ड बनाया है इंग्लैंड ने कितना रन बनाया इसने चार सौ अंठानबे रन बनाया पचास ओवरों में तो ऑप्शन सी राइट आंसर और इस तरह से इंग्लैंड ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसके पहले इंग्लैंड ने 2018 में एक मैच में चार सौ इक्यासी रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया था और इसने अपना ही हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ दिया है चार सौ अंठानबे रन बनाकर ठीक है किसके खिलाफ़ ये रन बनाया नीदरलैंड के खिलाफ नेक्स्ट सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं सोमालिया एक अफ्रीकी देश है सोमालिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं हमजा अब्दी बर्रे ऑप्शन डी राइट आंसर इन्हें मोहम्मद हुसैन रोबले के स्थान पर नियुक्त किया गया है सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन शेख मोहम्मद और ये इसी साल यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं तो याद रखिएगा नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है इसी साल प्रधानमंत्री बन गए हैं हमजा अब्दी बर्रे यहाँ की करेंसी है शिलिंग शिलिंग करेंसी और भी देशों में चलती है जैसे कि केन्या युगांडा और तंजानिया अब ये देखिए हाल ही में जो भी नए नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं इनका फटाफट -फट रिविजन कर लीजिए कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति बने हैं रोड्रिगो चाओस सोमालिया के नए राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद फ्रांस के नए प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न फिलीपींस के नए राष्ट्रपति फर्डिनेड मार्कोस जूनियर बने हैं चिली के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलीन नुआक एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास ट्यूनीशिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है नजला बॉर्डेन रोमधाने तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं सरदार बर्डी मुखा मेदेव दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यू सुक येवोल नेक्स्ट हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है तो देखिए अग्निपथ भर्ती योजना लॉन्च की गई है इसके तहत जो है चार साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे सेना में युवा और इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा काफ़ी हंगामा हो रहा है तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको याद रखिएगा इस हंगामे के बीच में ही केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जो भी अग्निवीर होंगे यानी अग्निपथ भर्ती योजना के तहत जो भी सेना के जवान होंगे चार साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में अगर वो नौकरी करना चाहते हैं अप्लाई करेंगे तो उन्हें दस प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा ठीक है ऑप्शन ए सही उत्तर है तो अग्निवीर कितने साल के लिए सेवा देंगे अग्निपथ भर्ती योजना के तहत चार साल के लिए सेवा देंगे उम्र सीमा निर्धारित की गई है साढ़े सत्रह साल से लेकर तेईस साल पहले ये इक्कीस साल इक्कीस साल थी लेकिन इसमें दो साल की बढ़ोतरी की गई है अब ये हो गया है तेईस साल ठीक है इसके अलावा जो भी अग्निवीर होंगे अगर वे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या असम राइफल्स में अप्लाई करते हैं तो उम्र सीमा में फिर से तीन साल की छूट उन्हें प्रदान की जाएगी और इनके लिए अर्धसैनिक बलों में दस प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया है देखिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो हैं जैसे बी एस एफ सी आर पी एफ सी आई एस एफ आई टी बी पी एस एस बी एन एस जी और एस पी जी इन सभी को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहा जाता है यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और एक है असम राइफल्स ठीक है तो असम राइफल्स जो है ये दोहरी नियंत्रण वाला अर्धसैनिक बल है तो यहाँ पे हम असम राइफल्स के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है असम राइफल्स को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है और एकमात्र ऐसा अर्धसैनिक बल है जो कि दोहरी नियंत्रण संरचना वाले अर्ध अर्धसैनिक बल है प्रशासनिक नियंत्रण इसका गृह मंत्रालय के पास है और संचालन नियंत्रण इसका रक्षा मंत्रालय के अधीन है इसके अलावा जितने भी अर्धसैनिक बल हैं अभी जिनका मैंने नाम लिया था जैसे कि बी एस एफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ आई टीबीपी एस एस बी एन एस जी इत्यादि तो ये सारे जो हैं वनली केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं वहीं असम राइफल्स गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों के अधीन काम करता है असम राइफल्स ये सबसे पुराना भारत का अर्धसैनिक बल है इसका गठन किया गया था 1835 में मुख्यालय शिलोंग में है इसके अलावा जितने भी अर्धसैनिक बल हैं सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मुख्यालय शिलोंग में है वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्रन नायर नेक्स्ट हर साल 18 जून को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है तो देखिए हर साल 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे मनाया जाता है और अभद्र भाषा का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा अभद्र भाषा का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस साल जो है पहली बार मनाया जा रहा है 18 जून को ठीक है तो हर साल ये 18 जून को दिवस मनाया जाएगा इसके अलावा सस्टेनेबल गेस्ट्रोनॉमी डे भी 18 जून को ही मनाया जाता है अब इस जून माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं फटाफट रिविजन करिए एक जून को विश्व दुग्ध दिवस तीन जून को विश्व साइकिल दिवस चार जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पाँच जून को विश्व पर्यावरण दिवस सात जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आठ जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस देखिए आठ जून को ही विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है बारह जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस चौदह जून को विश्व रक्तदाता दिवस और सत्रह जून को मर्वास्थलीकरण और सूखे के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना देखिए दोस्तों 17 जून का करंट अफेयर का वीडियो नहीं आया था लेकिन पिछले क्लास में 18 जून के क्लास में मैंने 17 जून का भी करंट अफेयर कवर कराया था जो लोग नहीं देखे जरूर देखिएगा वरना ये रिविजन कर लीजिए आपका कवर हो जाएगा ठीक है मरुस्थलीकरण और सूखे के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है सत्रह जून को भारतीय प्रेस दिवस यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है रंजना प्रकाश देसाई को हाल ही में किस भारतवंशी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन जो बाइडन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है आरती प्रभाकर को किस देश के पूर्व कप्तान सैतीस वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का प्रथम स्वदेशी टीका किसने विकसित किया है सीरम इंस्टीट्यूट ने जो कि पुणे में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कंपनी है और इस वैक्सीन का नाम क्या है सर्वा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिए 15 जून 2022 को चांदीपुर के एकीकृत एक परीक्षण रेंज में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया पृथ्वी टू का चौबीस करोड़ रुपए के निवेश से भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी हैदराबाद में हाल ही में विश्वविद्यालय ने किस भारतीय दिग्गज उद्यमी को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया है रतन टाटा को को 15 से 17 जून को धर्मशाला में आयोजित भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहत्तर गीगा हज फाइव स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए करने की मंजूरी दी है 20 सालों के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा पर बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर की स्थापना के लिए भारत द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मंजूरी दी है कोलम्बो में हाल ही में गठित आई टू यू टू ग्रुपिंग के सदस्य देश कौन है भारत इजराइल अमेरिका और यूनाइटेड अरब इमारात आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है इसमें भारत सैंतीसवें स्थान पर है डेनमार्क पहले स्थान पर है किस विश्वविद्यालय ने अग्निवीर के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है इग्नू ने यानी इंदिरा गांधी न, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने वेरी जोन के स्वामित्व वाली कंपनी वेरी जोन बिजनेस के नए सीईओ कौन बने हैं सौम्य नारायण संपत हाल ही में किस प्रसिद्ध उर्दू विद्वान और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष का इक्यानबे साल की उम्र में निधन हो गया गोपी चंद नारंग सोलह से अठारह जून को उन्मेष नामक भारत का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव किस शहर में आयोजित किया गया शिमला में यूपीआई पेमेंट सिस्टम के इस्तेमाल के लिए भारत के साथ समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है फ्रांस औद्योगिक डी डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 कहां पर आयोजित किया गया नई दिल्ली में और इस सम्मेलन का उद्घाटन किए थे केंद्रीय सड़क के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित युवा सांसदों के आठवें वैश्विक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया एस फांगोन कोन्याक ने किया ये कौन है ध्यान देखिएगा नागालैंड से राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली यह पहली महिला है एस फांगोन कोन्याक इनका नाम है अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए पहला क्वेश्चन था किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मावाइक की बाकी का हाल ही में निधन हो गया ये केन्या के पूर्व राष्ट्रपति थे दूसरा क्वेश्चन था लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए किस केंद्रीय योजना को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसका सही उत्तर था उड़ान योजना को उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है वरिष्ठ ग्राहकों को सरल और सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड गोल्ड पहल लॉन्च किया है दूसरा क्वेश्चन है नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन कौन बने हैं दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर